हेलो बच्चों, केवीएन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद साइंस। हम पढ़ा रहे हैं क्लास 10th का विज्ञान, चैप्टर नंबर 2, मानव तंत्र। तो इसमें क्या होता है, मानव तंत्र यानी हमारा जो शरीर है वो प्रकृति द्वारा एक अद्भुत और जटिल संरचनात्मक इकाई होती है, जटिल संरचना होती है जो किससे मिलकर बनी होती है। तो बहुत सारे अंग तंत्रों से मिलकर बनी होती हैं। वे अंग तंत्रों में आपस में सामंजस्य के कारण उस तंत्र का संचालन करते हैं। तो हमारी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की शुरुआत होती है कोशिका से। तो हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका क्या होती है, ये होती है संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, समान कोशिकाएं मिलती हैं तो एक ऊतक का निर्माण करती हैं, और बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, और वो अंग मिलकर एक अंग तंत्र बनाते हैं। तो बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर मानव तंत्र यानी एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो इनमें जो मेन चीज़ होती है वो कोशिका होती है। तो समान कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं। ऊतक क्या होते हैं, अब दो या दो से अधिक ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, ये अंग तंत्र बनाते हैं या किसी तंत्र का निर्माण करते हैं। तंत्र जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र या कोई भी तंत्र हो, तो ये तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, ये मानव शरीर बनाते हैं, मानव शरीर का निर्माण करते हैं जो एक जटिल एक संरचनात्मक इकाई होती है। तो इस तरह से मानव तंत्र, माना जो शरीर है वो विभिन्न तंत्रों से मिलकर बना होता है। तो इन्हीं तंत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये जैसे मान लो हमारा पाचन तंत्र है, पहले क्या लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम लेते हैं। पाचन तंत्र में क्या होता है कि पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया होती है। तो बहुत सारे तंत्र जैसे मान लो पाचन तंत्र इसमें पाचन की क्रिया होती है, यानी जो हम भोजन के रूप में खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं वो जटिल संरचना में, जटिल अवस्था में होते हैं जिनका हमारा शरीर उपयोग नहीं कर सकता है। तो पाचन क्रिया के दौरान विभिन्न अंग तंत्र मिलकर उसको सरल अणुओं में बदलते हैं, और विभिन्न प्रकार की पाचक ग्रंथियां होती हैं जो पाचक रसों का स्राव करती हैं और भोजन को घुलनशील व सरल अणुओं में बदल देती हैं, जिससे पाचन की क्रिया संपन्न होती है। तो इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये हमारे मानव तंत्र की विशेषताएं हैं। देखो, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, यानी सेल किसे कहते हैं, यानी कोशिका हमारे शरीर की छोटी से छोटी इकाई है, जिससे जो कि आधारभूत इकाई कहलाती है, जिससे बड़े से बड़े शरीर का निर्माण होता है। तो कैसे होगा, इसमें संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं, टिश्यू बनाते हैं। समान प्रकार की कोशिकाओं से मतलब है जैसे हाथ की कोशिकाएं, लीवर की कोशिकाएं, पैर की कोशिकाएं, तो वो उन्हीं के हिसाब के ऊतक बनाती हैं। अब ये ऊतक बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे दो या दो से अधिक ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, जैसे हमारा यकृत है, लीवर है ना, तो इनको क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। अमाशय है, आहारनाल है, ये सब अंग हैं। तो ये अंग मिलकर किससे बने होते हैं, ऊतकों से मिलकर बने होते हैं, और बहुत सारे अंग मिलकर विभिन्न अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र का मतलब होता है मानव के तंत्र, जैसे आहारनाल है, पाचन तंत्र हो गया जिसमें भोजन का पाचन होता है, श्वसन तंत्र जिसमें श्वसन की क्रिया होती है, उत्सर्जन तंत्र जिसमें मल मूत्र को त्यागते हैं, तो वो अंग तंत्र हो गया। तो बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर एक मानव शरीर का निर्माण करते हैं। तो इन अंग तंत्रों में ही हम सबसे पहले पढ़ते हैं पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि शरीर का महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके बिना शरीर की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, जो कि एक जरूरी पार्ट होता है पाचन तंत्र। तो सबसे पहले इसमें नोट कर लो पाचन तंत्र। तो ये हो गई पाचन तंत्र की विशेषताएं। डाइजेस्टिव सिस्टम की विशेषताएं क्या होती हैं, मानव भोजन द्वारा शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करता है, क्यों, मानव कि जो विभिन्न मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं उनको संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो किससे प्राप्त होती है, हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो भोजन में क्या क्या होते हैं, भोजन विभिन्न घटकों से मिलकर बना होता है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन व खनिज लवण आदि होते हैं। ये सभी पदार्थ क्या होते हैं, ज़्यादातर इनमें जटिल होते हैं। तो जटिल
पदार्थों से हमें ऊर्जा नहीं मिलती। तो हमारा जो तंत्र होता है, पाचन तंत्र होता है, यानी जो तंत्र इन जटिल घटकों को सरल घटकों में एंजाइमों की मदद से, विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की सहायता से रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल घटकों में परिवर्तित करता है, वही क्या कहलाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र कहलाता है। तो पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया होती है। तो पाचन की क्रिया की क्या डेफिनेशन है? पाचन क्रिया। तो पाचन क्रिया किसे कहेंगे? कि वह क्रिया जिसमें जटिल घटकों का विभिन्न एंजाइमों व रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल घटकों में व घुलनशील पदार्थों में रूपांतरण होता है, उसे पाचन क्रिया कहते हैं। ये पाचन क्रिया मुख्यतः पाचन तंत्र में संपन्न होती है। और पाचन तंत्र में विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं जो पाचन क्रिया को संपन्न कराते हैं। जैसे इसमें पाचन अंग कहलाते हैं, कुछ ग्रंथियां भी होती हैं, जैसे मुख है, ग्रसिका है, या ग्रसनी है, ग्रसिका है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, और मलाशय है। उसके बाद उसके साथ साथ में कुछ ग्रंथियां भी उसमें सहयोग करती हैं उन पाचक जटिल अणु घटकों को सरल घटकों में बदलने के लिए। तो वे पाचक ग्रंथियां भी क्या होती हैं? पाचन तंत्र का ही हिस्सा होती हैं। तो पाचन की क्रिया क्या होती है? ये हो गई पाचन की क्रिया। तो पाचन की क्रिया क्या होती है कि डाइजेस्टिंग जो प्रोसेस होती है, भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं व एंजाइमों की सहायता से सरल छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। तो इस पाचन के लिए क्रिया में पाचन तंत्र में अनेक अंग होते हैं और कुछ ग्रंथियां भी होती हैं। जो विभिन्न अंग हैं वो भोजन के पाचन के लिए अपना अलग अलग कार्य करते हैं। अलग अलग अंग में अलग अलग अभिक्रियाएं होती हैं जिससे भोजन का पाचन हो जाता है और वो घुलनशील पदार्थों में बदल जाता है। इन घुलनशील पदार्थों का आहार नाल द्वारा अवशोषण हो जाता है। इस अवशोषण के कारण ही शरीर को आवश्यक ऊर्जा मिलती है। तो ये पाचन अंग कौन कौन से हैं और पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, वो हम इसको बारी बारी से सबका अध्ययन करेंगे, सबको लिखेंगे। तब तक प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये नोट्स आप साथ साथ बनाते चलना, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। विभिन्न प्रकार के पाचन तंत्र और विभिन्न अंग जो ग्रंथियां होती हैं कौन कौन से सम्मिलित होते हैं, तो सबसे पहले आता है मुख। मुख के बाद आता है, मुख के पीछे क्या होती है? ग्रसनी होती है, जिसमें भोजन मुख के बाद ग्रसनी में जाता है और ग्रसनी से भोजन एक नली होती है उसमें ग्रास नाल बोलते हैं, ग्रास नाल में जाता है और ग्रास नाल से भोजन अमाशय में आता है। अमाशय में इन स्टोमच में आता है। स्टोमच के बाद भोजन, इसमें क्या होता है? भोजन का पाचन हो जाता है, होने लगता है, अधिकांश हो जाता है। इसके बाद जो भोजन आता है छोटी आंत में आता है, छोटी आंत में जहां भोजन का अधिकांश पाचन होता है, और इसके बाद बड़ी आंत, और लास्ट में भोजन आता है मल द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, रेक्टम द्वारा, मल द्वार से। तो ये तो होते हैं पाचन तंत्र में जो अंग काम आते हैं, यानी ये समझो कि भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। मुख से भोजन का पाचन होता है, वो ग्रसनी में से होता हुआ ग्रास नाल से सीधा अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में विभिन्न प्रकार के पाचक रस पाए जाते हैं, अम्ल पाए जाते हैं, जो भोजन को माध्यम को अम्लीय कर देते हैं। इनका डिटेल हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, अब तो हम इनके अंगों के नाम पढ़ रहे हैं। यहाँ से भोजन सीधा छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद मल द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो थे इसमें पाचन तंत्र के अंग तंत्र। इसमें ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं? एक होती है लार ग्रंथि, दूसरी होती है, अब देखो लार ग्रंथि ये मुख में पाई जाती है, जो लार का स्राव करती है। लार भोजन को लसलसा और चिकना बना देता है, जिससे वो ग्रसनी में और ग्रसनाल से होता हुआ सीधा अमाशय में पहुंच जाता है। इसके बाद जहाँ पर क्या होता है, यकृत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। यकृत ग्रंथि जो पित्तरस का स्राव करती है, पित्ताशय से पाया जाता है, और यकृत ग्रंथि के बाद आती है एक अग्नाशय ग्रंथि। ये अंग और ग्रंथियां मिलकर, सभी मिलकर क्या बनाते हैं? आहार नाल बनाते हैं। जो आहार नाल क्या होती है? मुख से शुरू होती है और मल द्वार पर ख़त्म हो जाती है।
आहार नाल शाकाहारी प्राणी में बड़ी होती है और मांसाहारी में छोटी होती है। जैसे मानव में लगभग 8 से 10 मीटर लंबी आहार नाल होती है, इसमें भोजन का पाचन होता है और पाचक रसों में बदल जाते हैं जो कि शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये सभी अंग मिलकर जो आहार नाल बनाते हैं, ये मानव शरीर में 8 से 10 मीटर लंबी है। भोजन को ये क्या काम करती है, आहार नाल के मुख्य तीन काम होते हैं। आहार नाल के मुख्य तीन कार्य करती है। ये तीन कार्य क्या होते हैं, इसमें जो फर्स्ट कार्य है यानी मुख से जैसे हम इसमें भोजन खाते हैं तो भोजन किस में बदलता है, भोजन को सरलीकृत करती हैं, यानी जो जटिल अणु होते हैं उनको सरल अणुओं में बदल देती हैं। पहला काम क्या हो गया, भोजन का सरलीकरण, यानी जटिल अणुओं को सरल व घुलनशील अणुओं में बदल देती है। ये आहार नाल का मुख्य काम है। इसके बाद जो इसमें जो काम होता है, पचित भोजन का अवशोषण होता है। क्यों, क्योंकि जब भोजन के पाचन की क्रिया होती है तो जटिल जो अवयव होते हैं, घटक होते हैं, वो सरल और घुलनशील पदार्थों में बदल जाते हैं। वो घुलनशील पदार्थ क्या होते हैं, आंतों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो दूसरा काम क्या होता है, भोजन का अवशोषण करना, अवशोषण करना, एब्जॉर्बेशन करना, पाचक रसों द्वारा जो भोजन सरल हुआ है, सरलीकृत हुआ है, उसका अवशोषण करते हैं। इसके बाद पचित भोजन के अवशोषण के बाद क्या होता है कि भोजन को मुख से और मल द्वार तक पहुंचाने का कार्य भी आहार नाल करती है। तीसरा काम क्या होता है कि भोजन को मुख से मल द्वार तक लाने का कार्य भी आहार नाल द्वारा किया जाता है। तो ये हो गए पाचन तंत्र में विभिन्न अंग और उनकी ग्रंथियां और इस आहार नाल के मुख्य कार्य है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब हम बनाते हैं पाचन तंत्र की संरचना। जो मानव में पाचन तंत्र होता है वो क्या होता है, जैसे मान लो ये भोजन मुख गुहा से शुरू होता है, यहाँ पर यहाँ इस तरह से भोजन आता है, यहाँ पर लैरिंग्स लगी होती है, यानी दो नलियाँ निकलती हैं श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र की। इस तरह से तो ये भाग क्या कहलाता है, मुख कहलाता है। मुख में भोजन जाता है, यहाँ पर लार ग्रंथियाँ होती हैं जो मुख में लार का श्रावण करती हैं। ये क्या होती हैं, लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियों से यानी मुख से यहाँ तक का जो भाग होता है ये ग्रसनी कहलाता है। और ग्रसनी के नीचे जैसे मान लो ये दो भागों में बंटती है, तो एक श्वसन तंत्र में यानी फेफड़ों में जाती है नली, एक भोजन के लिए नीचे आती है, तो उसको जो लंबी नलिका होती है इसको ग्रसिका कहते हैं, ग्रसिका या ग्रास नाल कहते हैं, ग्रास नाल कहते हैं, जो कि अमाशय में आकर खुलती है। एक थैले नुमा संरचना होती है जिसमें आकर ये खुलती है इस तरह से। यहाँ पर ये बड़ी आंत इस तरह से ये आहार नाल है या डायफ्राम होता है, यहाँ पर यकृत लगा होता है और यहाँ पर ये अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है जो कि वृक्ष के समान होती है। तो इस तरह से ये हमारे आहार नाल का डायग्राम है। तो इसमें क्या होता है कि बारी बारी से भोजन ऊपर से मुख से शुरू होता है और नीचे आहार नाल से होता हुआ मल द्वार तक पहुँच जाता है। ठीक है, दिख रहा होगा कंप्लीट। ये तो भोजन यहाँ से आता है मुख से, मुख में लार से, लार ग्रंथियों से लार स्रावित होती है, लार उसमें घुलती है जो भोजन को लसलसा व चिकना बना देती है, काइम के रूप में परिवर्तित कर देती है। जो ग्रसनी से होता हुआ, इनमें क्या होते हैं, सी आकार के
छल्ले होते हैं जो कि इसको पिचकने नहीं देते हैं, और क्या करते हैं कि इसमें ये क्रमानुकंचन गतियों द्वारा ये भोजन सीधा अमाशय में आता है। अमाशय में तीन भाग होते हैं, तो इनमें अमाशय में जब भोजन आता है तो इसमें HCl मिल जाता है जिससे भोजन का माध्यम अम्लीय हो जाता है। और यहाँ में इसमें अमाशय में एक ये ऊपर लीवर पाया जाता है जिसको यकृत कहते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है। ये इसमें अंदर पित्ताशय होता है जो पित्तरस का स्राव करता है, पित्तरस का स्राव करता है। ये पित्तरस इसमें बड़ी आँत छोटी आँत में मिल जाता है। छोटी आँत में जैसे ही नीचे भोजन आता है तो अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस का स्राव होता है। ये क्या होती है? अग्नाशय ग्रंथि जो अग्नाशय रस का स्राव करती है। ये छोटी आँत से भोजन सीधा घूमता हुआ अवशोषित होता हुआ बड़ी आँत में जाता है। जहाँ पर बड़ी आँत और छोटी आँत मिलती है वहाँ पर एक अवशेषी अंग पाया जाता है जिसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। यहाँ से भोजन बड़ी आँत में जाता है, ये बड़ी आँत है, बड़ी आँत, और ये अंदर है छोटी आँत। अधिकांश भोजन का पाचन छोटी आँत में कंप्लीट हो जाता है। बचे कुचे जो भोजन होता है जिनका पाचन यहाँ नहीं हो पाता वो बड़ी आँत में उनका होने लगता है। उसके बाद बचे हुए भोजन को यहाँ पर ही मलाशय होता है, मलाशय और मल द्वार द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। इस तरह से अब हम त्याग करेंगे, ये हमारे विभिन्न अंग हो गए, मुख हो गया, ग्रसनी हो गई, ग्रसिका हो गई, और ये अमाशय हो गया। यहाँ पर अमाशय थैलीनुमा संरचना होती है। अमाशय छोटी आँत, बड़ी आँत और मल द्वार मलाशय होते हैं। तो ये पाचन तंत्र के पाचन अंग कहलाते हैं जिनमें भोजन का पाचन होता है, और इनकी सहायता कुछ ग्रंथियाँ करती हैं जैसे लार ग्रंथि है, और यहाँ पर ये क्या कहलाता है? यकृत। और ये यकृत ग्रंथि होती है और एक अग्नाशय ग्रंथि होती है। तीन प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं जो अपने स्राव पदार्थ को भोजन में डाल देती हैं जिससे भोजन का पाचन आसानी से हो जाता है, और जटिल अवयव हैं वो सरल अणुओं में और घुलनशील पदार्थों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये पाचन तंत्र का डायग्राम है। अभी हम पाचन तंत्र में जो विभिन्न अंग हैं उनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो पहला जो अंग है वो है मुख। तो मुख क्या होता है? तो मुख के बारे में, मुख के एक कोटरनुमा संरचना होती है। मुख में जो पहली संरचना है ये क्या होती है? कोटरनुमा संरचना होती है जिसमें दो तालु होते हैं, यानी एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। ऊपर का तालु कठोर होता है, कठोर उपास्थि का बना होता है, तथा नीचे का तालु कोमल तालु होता है। इस कोमल तालु में मुख में पेशीनुमा मांसल संरचना होती है जिसे जिभ्या कहते हैं या जीभ कहते हैं। तो जीभ क्या करती है कि जब हम भोजन को चबाते हैं तो भोजन को दांतों के नीचे लाने का काम करती है, और दांतों में फंसे भोजन के टुकड़ों को निकालने का काम भी करती है। और भी इसके बहुत सारे काम होते हैं। ये स्वाद का पता लगाती है कि कोई भोज्य पदार्थ खट्टा मीठा या कैसा पदार्थ है। उसके लिए जीभ में अलग अलग रस कलिकाएँ होती हैं जो अलग अलग स्वाद का अनुभव कराती हैं। तो जीभ के मुख के ऊपर व नीचे दो जबड़े में 16-16 दांत पाए जाते हैं, यानी 32 दांत होते हैं जो भोजन को काटने चबाने व पीसने का काम करते हैं। ये दांत चार प्रकार के होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। तो मानव शरीर में जो दांत होते हैं वो गर्त दंती होते हैं। गर्त दंती का मतलब मसूड़ों में धसे हुए होते हैं, और द्विवार दंती होते हैं यानी दो बार दांत आते हैं पूरे जीवन काल में। पहले जो दांत आते हैं वो अस्थाई होते हैं जिन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं। उनके टूटने के बाद उसके बाद स्थाई दांत निकलते हैं जो जीवन पर्यंत रहते हैं। ये दांत चार प्रकार के होते हैं जिनका कार्य भी अलग अलग होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम दांतों के विभिन्न प्रकार और उनके कार्य बताएंगे और वो कितने कितने होते हैं मुख गुहा में। ये भोजन को पीसने काटने और चाबने का काम करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये है मुख गुहा में दांतों के प्रकार। चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला है कृतक,
यानी इंसाइजर बोलते हैं, साइजर यानी कि कैंची से बना है जो भोजन को काटने और कुतरने का कार्य करते हैं। ये क्या होते हैं, जैसे शाकाहारी प्राणी होता है खरगोश या चूहा, उनमें ज़्यादा विकसित होते हैं और ये जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं उनमें, जबकि मानव में ये वृद्धि नहीं करते हैं। एक बारी वृद्धि होती है, ये 6 माह की उम्र में ही निकलने लगते हैं। इनका जो काम होता है भोजन को कुतरना और काटना होता है। इसके बाद आते हैं रदनक, ये क्या होते हैं, रदनक कैनाइन कहलाते हैं। ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ये मांसाहारी प्राणियों में ज़्यादा विकसित होते हैं क्योंकि वो मांस खाते हैं तो उनको चीरना फाड़ना पड़ता है, तो वहाँ पर अधिक विकसित होते हैं, जो 16 से 20 माह की आयु में ही निकल आते हैं। इसके बाद है अग्रचरोनक, यानी जो डाढ़ बोलते हैं हम इसको, हमारी डाढ़ भी दो तरह की होती है, अग्रचरोनक यानी प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर क्या करती है, भोजन को चबाने में सहायक होती है, चबाने का काम करती है और 10 से 11 वर्ष में पूर्ण विकसित हो जाती हैं ये। इसके बाद आता है चवर्णक यानी मोलर्स, ये भी भोजन को चबाने का काम करते हैं लेकिन भोजन को और बारीक पीसने का काम इनके द्वारा किया जाता है। ये भोजन को चबाने और पीसने का काम करते हैं, उनको बारीक टुकड़ों में बदल देते हैं और जब भी भोजन इनके नीचे आता है तो उसी समय उसमें भोजन में लार मिलती रहती है और भोजन लसलसा बन जाता है, बिल्कुल बारीक पीस देते हैं। तो ये तो हो गए दांत और उनके कार्य। तो हमारा जो पहला मानव पाचन तंत्र में जो पहला अंग है वो है मुख। इसके बाद आता है मुख से भोजन कहाँ जाता है, एक ग्रसनी में जाता है जो कि मुख के तुरंत ही शुरू होती है और हमारे गले तक आती है, वो ग्रसनी कहलाती है। तो मुख से भोजन ग्रसनी में पहुँचता है, ग्रसनी भी एक पेशीय संरचना होती है। ये आहार नाल के सेकंड भाग ग्रसनी, ग्रसनी एक नलिका रूप में संरचना होती है जो तालू के पिछले भाग से एक कूपी नुमा संरचना होती है, ग्रसनी कहलाती है, जो कि हमारे गले में ही होती है। यह गर्दन तक होती है तथा नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी, अधोग्रसनी भी बोलते हैं, उसमें विभक्त रहती है। यानी अधोग्रसनी कंठ ग्रसनी से ये दो भागों में बट जाती है, एक तो श्वसन तंत्र में और एक ये पाचन तंत्र में। यानी इसमें जो अगला भाग होता है वो ग्रास नली कहलाता है, एक होती है श्वास नली जिसमें श्वसन क्रिया संपन्न होती है। तो श्वास नली और ग्रास नली के ऊपर एक एपिग्लोटिस नाम का एक घाटी ढापन लगा होता है जो भोजन को श्वास नली में प्रवेश जाने से रोकता है। जब हम भोजन को निगलते हैं तो वो ढक्कन बंद हो जाता है, इससे हमारी श्वास की नली का द्वार अलग हो जाता है, भोजन की नली का द्वार अलग हो जाता है, जिसके कारण भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। ये सक्रिय पेशीय नली होती है, उपास्थि की बनी होती है, जो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह वक्ष स्थल से होती हुई डायफ्राम में से निकलकर अमाशय में पहुंचती है। यानी इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है भोजन को अमाशय तक लाना। इसमें कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जिनके कारण क्रमाकुचन गति होती है, तो भोजन लसलसा होने के कारण नीचे की ओर खिसकता रहता है और अमाशय में पहुँच जाता है। ये उपास्थि की बनी होती है, इसमें श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं जो श्लेष्मा का स्राव करती हैं, जो इनको चिकने बनाए रखता है और भोजन आसानी से अमाशय में पहुंच जाता है। तो इसके बाद हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है अमाशय। अमाशय क्या होती है, एक थैलेनुमा संरचना होती है जो कि 3 भागों में बटी होती है। आहार नाल का यानी पाचन तंत्र का मुख्य भाग होता है अमाशय, जहाँ से भोजन का माध्यम, अब तक तो क्या था, क्षारीय माध्यम था, क्योंकि लार ग्रंथियों द्वारा लार स्रावित होती है तो भोजन का माध्यम क्षारीय हो जाता है। तो वहाँ से भोजन आता है क्षारीय माध्यम में, जैसे ही अमाशय में पहुँचता है वहाँ उसका माध्यम अम्लीय हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो भोजन में मिल जाता है और भोजन का माध्यम अम्लीय हो जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अमाशय यानी स्टोमच। यह अमाशय एक थैलेनुमा पेशीय लचीली संरचना होती है, स्टोमच भी बोलते हैं इसको। ये 3 भागों से मिलकर बनी होती है, यहाँ से ये ग्रसिका आती है, ग्रास नाल इसमें आती है, ये जुड़ती है। तो इसके 3 भाग होते हैं, पहला भाग होता है कार्डियक भाग, जठरागम भाग। इस भाग में जब भोजन आता है तो उसमें HCl अम्ल स्रावित हो जाता है और अम्लीय माध्यम में बदल जाता है। अब इसमें यहाँ पर वाल लगे होते हैं, ये वाल क्या करते हैं, इस अम्लीय भोजन को ग्रहणी में छोटी आंत में जाने से रोकते हैं। इसका जो मध्य का भाग होता है फंडिक भाग होता है और आगे का भाग होता है वो जठर निर्गमी भाग होता है।
तो जठर निर्गमी भाग में क्या होता है, इसको पायरोलिक भाग भी कहते हैं। ये भोजन को छोटी आंत में जाने का उसका नियंत्रण करता है, इसको कंट्रोल करता है। यानी अगर मान लो ये नहीं होगा तो भोजन आएगा अमाशय में, अमाशय में सीधा आहनाल में चला जाएगा बिना पचे हुए। तो ये इनको उसको जठर निर्गमी भाग जो होता है भोजन को नियंत्रित करता है छोटी आंत में जाने के लिए। इसके बाद अमाशय के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है छोटी आंत, और उसके बाद बड़ी आंत को पढ़ेंगे। इसके बाद है छोटी आंत, है ना। छोटी आंत में क्या होता है, पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। मानव में इसकी लंबाई 7 मीटर के लगभग होती है। यह भाग भोजन का, इस भाग में भोजन का अधिकांश पाचन व अवशोषण हो जाता है। यानी भोजन का संपूर्ण अवशोषण इसी में हो जाता है, बचे कुचे भोजन ही बड़ी आंत में जाता है जो यहाँ पर पच नहीं पाता है। ये 3 भागों में विभक्त होती है। पहला भाग ग्रहणी कहलाता है, अग्र शुद्रांत कहलाता है और शुद्रांत्र कहलाता है। तो इनके मध्य ही अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। ये यू सी के आकार की होती है। इसके बाद आता है बड़ी आंत, इसमें कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं जो भोजन को सड़ा देते हैं, गला देते हैं उसको। तो ये शेष बचे हुए भोजन का पाचन व अवशोषण करती है। यह भी 3 भागों में विभक्त होती है। अंधनाल, जिसको सीकम बोलते हैं, अंधनाल और छोटी आंत के बीच में एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, एक अवशेषी अंग पाया जाता है। ये क्या होता है कि जो उनको जोड़ने का, छोटी आंत का अंतिम सिरा और बड़ी आंत का प्रारंभिक सिरा अंधनाल से जुड़ता है। अंधनाल वृद्धांत्र में या कोलन में खुलती है और कोलन मलाशय में खुलता है। मलाशय द्वारा भोजन का, उसका मल का त्याग कर दिया जाता है और भोजन बाहर मल द्वारा त्याग दिया जाता है। इस तरह से पाचन तंत्र के विभिन्न अंग होते हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं, और इसमें कुछ ग्रंथियां भी भाग लेती हैं, जैसे यकृत ग्रंथि है, लार ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लगातार देखते रहें, नोट्स साथ साथ बनाते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।